पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, विधायक आएगा यहाँ तेजस्वी यादव, हाँ, राघोपुर क्षेत्र का विधायक को आना पड़ेगा यहाँ क्योंकि हम वोट देके वहाँ पहुँचा। कौन है विधायक? तेज प्रताप तेजस्वी जो भी है। लेकिन आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं आएंगे? वोट नहीं देगा राघोपुर। लड़का आ रहा था ड्यूटी से, सुनू का उतरो, उतर गया पीछे, जैसे दो कदम हटा पांच गोली मार दिया। हाजीपुर के बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहीमापुर चौक के पास गुरुवार सुबह बदमाशों ने एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 6:20 के आसपास की है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने युवक को 5 गोली मारी जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बिदुपुर निवासी बलिराम सिंह के पुत्र पंकज कुमार के रूप में की गई है। मृतक पंकज कुमार की उम्र 30 साल के आसपास है। पंकज गुरुवार की सुबह एक बिस्कुट फैक्ट्री से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। इससे पहले पोस्ट ऑफिस से पत्र भेजकर पंकज को हत्या की धमकी दी गई थी। इसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से भी की थी। घटना के बाद परिजनों में और लोगों में आक्रोश है। लोगों ने NH 322 पर शव को रख कर जाम कर दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, SDPO भी घटना स्थल पर पहुंची। किस बात के लिए आप आगजनी कर रहे हैं, क्या हुआ है? मेरा बड़ा भाई था पंकज, जिसको गोली मार के हत्या कर दी। हाँ हाँ। इसमें दो बार पटीशन दिया गया था थाना को, थाना ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही विपक्षी के दल पे जिसके नाम पे दिया गया था उसको कोई नोटिफिकेशन दिया गया। और आज जो नतीजा बना है पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमी है। ये क्षेत्र राघोपुर क्षेत्र से पड़ता है और हम विधायक बना के भेजते हैं और हमारे क्षेत्र के पब्लिक सुरक्षित नहीं है और इसके लिए पूरी कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमी है। ना सरकार से कोई अभी अधिकारी आए हैं, ना सरकार से कोई सवाल किया गया, ना ही कुछ किया जाता। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर है। बिहार की प्रशासन काम नहीं कर रही है। दारू का काम हो तो उसमें पैसा लेके किसी भी तरीके से व्यक्तिगत रूप से जो सही नहीं है उसको फंसा के अंदर किया जाता है, ये हकीकत है। 4 दिन नहीं 2 महीने पहले अगर किसी भी थाना में हम पटीशन देते हैं तो सर्कल अफसर होती है जो कि आके थाना का रजिस्टर चेक करता है। क्या अधिकारी ने चेक किया? कोई अधिकारी आके उस पटीशन रजिस्टर को चेक किया? नहीं किया। अच्छा, ये आप कब तक ये माने जाम रखेंगे? जब तक हमारे गार्जियन स्वरूप जो इस चीज में लगे हुए हैं नहीं मानेंगे जब तक। क्या मांग है आप लोग, कैसे मांग? विधायक आएगा यहाँ तेजस्वी यादव, हाँ, राघोपुर क्षेत्र का विधायक को आना पड़ेगा यहाँ क्योंकि हम वोट देके वहाँ पहुँचा। कौन है विधायक यहाँ के? तेज प्रताप तेजस्वी जो भी है। लेकिन आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं आएंगे? वोट नहीं देगा राघोपुर से। अच्छा, आक्रोश इस बात के लिए है? नहीं देंगे वोट। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई दिन दहाड़े 5 बजे 5 को गोली मारा गया भाई को। अगर वो नहीं आएंगे वोट राघोपुर क्षेत्र से नहीं मिलेगा। हम चैलेंज चुके 13-8 के दिन, इससे पहले 13-8 के एक दिन या दो दिन पर उसको धमकी मिला था, गोली एक बार और चलाया गया था फैक्ट्री से। बैटनिया फैक्ट्री में नौकरी करता पंकज, और पंकज नौकरी करके ड्यूटी करके आ रहा था, उस पर भी धमकी दिया गया। उसके बाद भाई लेटर भेजा गया, हम लोग बिदुपुर बाजार थाना में जाके एक बाई नेम सनाहा दर्ज किया गया उस नंबर पर। इस नंबर से उसको धमकी आता है थाना पर 2-3 बार, थाना प्रभारी को दिया गया, थाना पर कोई नहीं सुने। आज 6:18 या 19 हो रहा था ड्यूटी से, वो और सोनू लड़का आ रहा था ड्यूटी से, सोनू का उतरो माधव चौक, उतर गया पीछे, जैसे 2 कदम हटा 5 गोली मार दिया। एक नकाश पोस्ट मुंह पर लगाए हुए था मास्क, एक हेमलेट पहने हुए था और उसको गोली मार दिया। धमकी देने का क्या रीजन है? 5 गोली किसी आदमी को मार रहा है तो टारगेट है, टारगेट हत्या है ना। उसको वहाँ से पीछे करते हुए आया ना लड़का, 20 के स्पीड में गाड़ी ड्यूटी बटनिया से निकला था 6 बजे 15 मिनट में आने में से लगता है, आराम से ड्यूटी से आ रहा था। और कितना गोली लगा है? 5 गोली लगा है। एक पंकज कुमार नाम के व्यक्ति हैं, रहीमापुर के बगल में घर है, ब्रिटेनिया कंपनी में काम करते हैं। आज सुबह अपना फैक्ट्री में काम करना 6 बजे निकले थे फैक्ट्री से, यहाँ जब घर के पास आए हैं तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया है, गोली मार दिया है। परिजन लोगों का कहना है, पहले भी थाना में 2 बार इनको धमकी भी मिला है, शादी जब इनकी हो रही थी तो थाना में इन लोगों द्वारा आवेदन भी दिया गया है, 1 बार इन पर मिस फायर भी हुआ है, उसका भी आवेदन दिए थे इन लोग। तो इस पर थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोगों ने थाना के विरुद्ध आवश्यक कार्य करने के लिए अधीक्षक महोदय के हम लोग बोले हैं, उनके तो आश्वासन दिया कि उन पर आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। पोस्ट से भी पत्र भेजा जाता था हत्या करने की धमकी का, ऐसा भी बात आ रही। एक लेटर भेजे हैं जो कि इसमें शादी नहीं करने की बात बताई गई है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इनकी शादी को लेकर
कोई लोग खफा था, उनकी जो नंबर हम लोग को प्राप्त हुआ है उसका हम लोग ट्रेस किए हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हम लोग कर रहे हैं। कितना गोली मारा गया? करीब चार पाँच गोली मारी गई है, सर में ही गोली मारी गई है। इस मामले में पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि एक बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है।